चलिए स्टूडेंट्स, कुछ तकनीकी कारणों के चलते क्लास थोड़ी सी डिस्टरबेंस हुई, इसके लिए हमें खेद है। तो इस क्लास को जहाँ से अपन ने स्टार्ट किया, मतलब जहाँ से अपनी जो है डिस्टर्ब हुई थी, वहीं से स्टार्ट करते हैं अपन क्लास को, है ना। और फटाफट आप क्लास से जुड़ जाइए, ठीक है। और जो है अपन स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। हम क्या बात कर रहे थे कि जो पावर टू है ना, इस पावर टू को हम लोग क्या करेंगे, बस अब बस साइलेंट। हाँ, इस पावर टू को इधर लाएंगे तो ये अंडर रूट हो जाएगा, है ना, ये अंडर रूट हो जाएगा। और यहाँ पर आपके इसके वर्गमूल की बात चल रही थी, देखो तो यहाँ से क्या आएगा, एक तो एक आएगा या फिर नो आएगा, क्या लगा देते हैं इसका। तो मतलब इसका वर्गमूल करो, ये वर्गमूल करते से दो, दो का स्क्वायर चार होता है ना, इसलिए यहाँ दो आएगा। अब आपको आइडिया लगाना है कि बीच में क्या आ सकता है ना, बीच में कोई अंक लेकर आना है। बीच में अंक लाने का बहुत नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है, ये जो आपके पास है इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो तो चार, तो आपके इसमें से घटाओ, चार माइनस चार बराबर जीरो, है ना। इसका मतलब ये आपके पास क्या हो गया, जीरो। और ये जो बीच में पड़ा हुआ है ना, इसको आप यहाँ पे ऐसे कैसे रख दो, फोर, क्लियर। अब देखना, जो आपने दो है, इस दो का डबल करोगे तो कितना हो जाएगा, चार। इस चार के आगे आपको एक ऐसा नंबर रखना है यहाँ पे, तो रखने के बाद जो संख्या बनती है तो उसी संख्या से गुणा करने पर गुणनफल रेस्पेक्टिवली 45 के बराबर आ जाए या इससे कम है। उदाहरण के तौर पर फिर इच्छा कर रही दो रखने की, तो 42 बन गया। इसका डबल करोगे मतलब इसको दो से गुणा करोगे तो फिर कितना आएगा, 84। वो 84 इससे बड़ा है, इसलिए यहां पर आपके दो नहीं रख सकते, यहां पे क्या रखेंगे, एक। ये वो नंबर है जो यहां आएगा। अब इसका वर्गमूल करने पर या तो ये आएगा या फिर ये आएगा, दोनों में से एक चीज आएगी, या तो ये आएगा या फिर ये आएगा, दोनों में से एक चीज आएगी। अब डिजिट सम का इस्तेमाल कर लो, आंकिक योग से आपको पता लगेगा कि आपके पास क्या राइट विकल्प है और ये वाला आपके पास गलत है। मतलब इसका वर्गमूल करने पर आपको ये मिलेगा, देख लो एक बार, ये आ रहा है ना। हाँ, कि आपके 6 अंकों का वर्गमूल ज्ञात करना हमने सीखा था। अभी वर्गमूल वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है आपने तो हो सकता है थोड़ी दिक्कत आई, लेकिन हाँ इसका इस्तेमाल करोगे लगभग लगभग निकल जाएगा। हाँ, अब आप देखना इसकी बात करते हैं कि आपके पास क्या है, वैल्यू निकल कर आई है इसकी। अब आप बताओ इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये किसके बराबर है, ये इसके बराबर है। इधर देखो मैं लिख रहा हूं उस मान को, 1 प्लस 1 प्लस आर बटा 100, ये इसके बराबर है। अब एक बार बताओ, अगर मैंने इसको इस फॉर्मेट में लिख दिया तो यहां जो भी आएगा वो दर होगी कि नहीं होगी, यस, ये तो पता है ना आपको। तो चलो इसका इसमें भाग लगाते हैं, 1 प्लस क्या बचेगा, 11 बटा 200, होगा कि नहीं होगा। लेकिन यहां तो 100 है, कुछ मत करो, इसका भी आधा कर दो, इसका भी आधा कर दो। तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, इसको लिखा जाता है 1 प्लस, आधा करोगे तो 5.5, ये आपके पास कितना हो जाएगा, 100। अब देखो ये एक अभी एक है, यहाँ 100, यहाँ भी 100, यहाँ पर R, तो यहाँ पर क्या है, 5.5। दैट्स व्हाई आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। बाकी विकल्प आपके गलत हो जाएंगे, अपने आप गलत, आई बात समझ में। इस तरीके से कंपेयर करके इसका आंसर आपको निकालना था, है ना। चलो आगे बात करते हैं अपन, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वैसे भी समय बहुत खराब हो गया है ना, तो फटाफट कुछ सवाल कर लेते हैं यार। कितने समय में 1,000 रुपये की राशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से इतने रुपए हो जाएगी। अच्छा ध्यान रखना, पावर ऑफ कंपाउंड में आपके जो पावर है ना, उसको ध्यान में रखना है, वहां पर समय आता है। अभी क्या पूछ रहा है, कितने समय में, आप मुझे बताओ इनकी शक्ल देखने पर ये क्या दिख रहे हैं, पावर 2 दिख रहे हैं कि पावर 3 दिख रहे हैं, पावर 3 नजर आ रहे हैं ना। हाँ, अभी देखो इनकी शक्ल देखने से आप बता सर, गुरु जी 10 10 की पावर 3 है, ये सर 11 की पावर 3 है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आप केवल ये देख लो, आराम से पता लग जाएगा। अगर इनकी शक्ल वर्ग जैसी नजर आती हम क्या करते थे, वर्ग, है ना। अभी अगर इसमें कुछ चीज कटने के बाद फिर देख लो आप, कई बार क्या होता है ऐसे नहीं देता वो, यहाँ पर आपके पास क्या कर देता है, इसको कर देता है सपोज मान लो ये 2,000 कर दिया, और इधर क्या कर देगा, इधर कर देगा 2662, है ना, ये लो सर। क्या किया इसने यहाँ पे, इसने हाँ डायरेक्ट नहीं दिया, इसने क्या कर दिया, 2 से आपके पास अप कर दिया, और अब बोल रहा है अब आप ढूंढोगे 2,000, 2,000 तो कोई आपके पास घन संख्या नहीं है, है ना। अच्छा ये आपके पास क्या है, 266 कोई घन संख्या, यार आप देखो कट तो रहे दोनों 2 से, है ना। तो एक बार पहले काटो, अगर कटने के बाद आप देखो कि वर्ग संख्या है या घन संख्या है, जो भी है वो रेस्पेक्टिवली टाइम होगा। अगर यहाँ पे वर्ग दिखते मेरे को तो मैं टाइम बोलता कि 2 साल लगेगा, चूंकि यहाँ पे पावर 3 नजर आ रहा है इसलिए मैं 3 साल,
ये विकल्प राइट हो जाएगा और ये विकल्प आपके पास अपने आप गलत हो। बात समझ में आ रही? हाँ, इनकी शक्ल देखते थे तो वैसे ही पता लग गया होगा कि दोनों तो वैसे गलत है ना। चलो आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2000 रुपए कितने वर्ष में आपके पास इतना हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, ये देखो दिख रहा है। अच्छा मुझे बताओ, इसका आधा करेंगे तो 100 और ये कितना हो जाएगा? अब बताओ वर्ग दिख रहा है कि दिख रहा? अच्छा उस वक्त नजर नहीं आ रहा था, वर्ग संख्या आप सीधे ढूंढते थे, लेकिन अभी आपको वर्ग दिख रहा है कि दिख रहा? दिख रहा है ना। तो बताओ पावर ऑफ कंपाउंडिंग किससे गिरी है? 2 से। तो वो पावर ऑफ कंपाउंडिंग ही तो टाइम है, इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? 2। तो ये वाला गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये वाला विकल्प आपके पास राइट। बात समझ में? अगर ऐसे नहीं तो फिर आप ऐसे कर सकते हो, हमेशा ध्यान रखना आप अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशो निकालो, और अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशो जो है निकालने के बाद आप इस अमाउंट और प्रिंसिपल की पावर निकालने की, जो भी पावर आप निकाल के दोगे ना वही मेरा रेस्पेक्टिवली टाइम है, ठीक है। चलो ये आपके पास क्या है? मूलधन। ये क्या है आपके पास? मिश्रधन। तो 2420/2000 हमने क्या किया, मिश्रधन से आपके मूलधन का रेशो ले लिया है ना। अभी आप देखो और देखो इधर की तरफ, ये आपके पास 1:1/100, तो क्या लिखा जा सकता है? पावर में कन्वर्ट करना है ना। तो अभी आपके पास क्या है, हम क्या कर सकते हैं, 11/10^2, और ये जो 2 है वह हमारा रेस्पेक्टिवली टाइम है ना। तो आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? 2। तो अभी बिल्कुल भी समय नहीं गवाएंगे, थोड़ी सी स्पीड पकड़ लेते हैं और आपके पास क्या आंसर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सी धनराशि 2 वर्ष में 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से इतना हो जाए, कौन सी धनराशि है जो आपके पास क्या है इससे इतना हो जाएगी। अच्छा देखो अपन क्या करते हैं, 4% जो दे रखा है उसका भिन्न पता करते हैं। आप बताओ 4% जो है, क्या मैं इसको 1/25 लिख सकता हूँ? आप बोलोगे यस सर, है ना। आप मुझे एक बात बताओ, 25 रुपए पर 1 रुपए का ब्याज लेना चाहते हो सालाना चक्रवृद्धि ब्याज की दर, तो आपके पास क्या 26/25 होगा कि नहीं होगा? होगा। और अगर आप 2 साल की बात कर रहे हो तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपने कितना बोला? 2। तो फिर कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 676 और ये आपके पास 600 है ना। आप मुझे बताओ ये आपके पास क्या है, तो ये अमाउंट है, ये क्या है? बोले ये प्रिंसिपल है। आप मुझे बताओ इसका डबल करने पर ये आ रहा है कि नहीं आ रहा? दिख रहा है डबल? बोले हाँ गुरु जी दिख रहा है। आपके पास क्या है, 600 का डबल करोगे तो 1200 और इसका डबल करोगे तो आपके पास कितना 1500 पास क्या है 52 हो जाएगा। अभी इसका डबल करोगे तो क्या आएगा, इसका डबल करोगे तो आपके पास 1250। ये रहा आपके पास 1250 वाला विकल्प राइट, ठीक है। आई बात समझ में? इस तरीके से करेंगे इसको। अभी देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखता फटाफट। कितनी धनराशि 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में ना हो जाएगी? आप देखना 3 साल में पता करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है आपके पास 4 और ये पैसा इतना हो जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, 4% का मतलब क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले? 1/25, मतलब 25 रुपए पे आप 1 रुपए ब्याज लेने की बात कर रहे हो है ना। और अगर आप 25 रुपए पे 1 रुपए ब्याज लेने की बात कर रहे हो तो पैसा 26 रुपए हो जाएगा। हाँ 26/ आपके पास 25 हो जाएगा। पावर ऑफ कंपाउंडिंग कितनी है पे? पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपके पास 3 है ना। अब मुझे एक बात बताओ, 26^3 करोगे आपको पता लग जाएगा कि वो उधर जो आंकड़ा पड़ा हुआ है ना वही वाला आंकड़ा है ना। 17,576 जो है ये, इसकी पावर 3 करोगे तो 17576, और इसका करोगे तो 15,625 आएगा है ना। अब आप बताओ यहाँ पर अगर इसकी पावर 3, ये का मतलब ये है, एक यूनिट का मतलब एक हुआ ना, और एक यूनिट का मतलब एक हुआ, तो फिर इसका मतलब पैसा क्या हो गया आपके पास 15,625। ढूंढो कहाँ पड़ा हुआ है 15,625, ये रहा डी विकल्प और ये आपके पास क्या हो जाएंगे, गलत विकल्प। आई बात समझ में है ना। अब अपना जितना लॉस हुआ है ना मैं उसको सबको कंपनसेट करने की आ रहा है ना आपको सवाल, ज्यादा स्पीड तो नहीं है, बहुत नॉर्मल स्पीड है, इससे हल्का तो क्या पढ़ाएंगे यार। हाँ आगे बात करते हैं अपन, 25,000 रुपए 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने जाएंगे।
यदि उत्तरोत्तर वर्षों में ब्याज की दर 4% 5% वार्षिक हो, ये आपका क्वेश्चन है ना। तो अभी आप देखना इसने क्या करा, रेस्पेक्टिवली आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज, पावर ऑफ कंपाउंडिंग तब किया जाता है जब आपके पास क्या है रेस्पेक्टिवली रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास लगातार सब जगह पे एक जैसी होती है तो। लेकिन अगर मान लो मैं कंपाउंड आपके पास अमाउंट निकाल रहा हूँ और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो एक साल के लिए R1% है, दूसरे साल के लिए R2% है, तीसरे साल के लिए R3% है ना, एंड सो ऑन, ऐसा है। एक आपके पी मूलधन पर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके इतने समय के लिए है, तो फिर चक्रवर्ती मिश्रधन ज्ञात करने का सूत्र बताए क्या होता है, ये होता है P1+R1/100, 1+R2/100, 1+R3/100, and so on। ठीक है, इस तरीके से हम निकालते हैं चीजें। तो ये आपके पास क्या है फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला लिख लेना। चलो हम बात करते हैं, ये रहा 25,000 रुपया, पहला कितना लिया आपने 4%, 4% अगर 100 पे 4 ज्यादा लोगे तो 104 लोगे ना, वेरी गुड। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 104, या फिर आप क्या इसको ऐसे लिख सकते हो 26/25 लिख सकते हो, अभी तो समझ में आ गया होगा 26/25 लिख सकते हो, ये 26/25 लिख सकते। अच्छा फिर वापस अपन इंटू कर देते हैं यहाँ पे, है ना। अभी आप मुझे बताओ 5% को 1/20 लिखते हैं, 5% मतलब 1/20 कितना हो जाएगा आपके पास 21/20, तो ये आपके 21 बटा आपके कितना हो जाएगा 20, क्लियर। अभी जो है बस कुछ मत करो इसको, जो है ये 25 25 आपने आउट कर दिया होगा, है ना, और ये आपके पास क्या एक आपके पास ये एक आउट हो जाएगा, है ना। अभी 2 से काट दो यार तो कितनी बार चला जाएगा 13 बार। वैल्यू देखना आपके पास कितना बचा हुआ है, यहाँ तो देखो बचा है 100, है ना, यहाँ पर तो आपके पास क्या बचा है 100, और ये आपके पास कितना आपके 13, और ये आपके पास क्या है 21, 13 और आपके पास क्या है 21, और हाँ। तो अभी आप देखना इधर की तरफ हम आंसर का अनुमान लगाते हैं यार, छोड़ा ना इसको, या तो गुणा करोगे या फिर आंसर लगाओगे। आप बताओ इन जीरो को किसी भी गुणा करने पे यूनिट प्लेस 0,0 आएगा कि नहीं आएगा, मतलब 10 प्लेस और यूनिट प्लेस 0,0 आने वाला है अगर मैं इससे गुणा करूंगा तो। आप दुनिया के किसी भी नंबर को 100 से गुणा करो 2,0 आएगी पीछे, यस और नो, दुनिया के किसी भी नंबर को आप 0 से गुणा करो, है ना, अभी आपके पास क्या है पीछे की तरफ 0 जनरेट हो जाएगा, है ना। इसका मतलब पीछे की तरफ 2,0 आने चाहिए, ये और ये दोनों हो सकते हैं, ये दोनों तो नहीं हो सकते, ये दोनों गलत हो, क्लियर। अब इसके बाद देखो अगर मैं इसको इससे गुणा करूंगा तो वापस आपके पास क्या 3 जनरेट होगा, हाँ यहाँ पर आप देखो यहाँ पर 0 आ रहा है ये गलत हो जाता है, और यहाँ 3 जनरेट कर रहा है इसलिए ये विकल्प हो जाएगा, मतलब गुणा वुणा करने की जरूरत नहीं है, हल्का फुल्का अनुमान लगाओगे तो भी आइडिया हो जाएगा। अच्छा अगर मान लो आप इतनी माथापोड़ी ना करते है ना, आप इसको यूं भी लेके सजा सकते थे, जैसे मान लो सवाल को मैं दोबारा लेके जा रहा हूँ, इस सवाल को 25,000 रुपये 104/100, 105/100, है ना, ये आपके पास क्या है 25,000 और 104/100 और 105/100, क्लियर। ये आप यहाँ पे इस चीज को ऐसे लेके जा रहे हो सवाल को। अभी तक देखना सामने की तरफ अपन बात करते हैं, हम डिजिट सम की तरफ जा सकते हैं जा सकते हैं, पहले मैं ये चेक, है ना, कि अभी या तो क्या है मैं इसको सॉल्व करके एक वैल्यू निकालूंगा, और नहीं तो फिर मैं कैसे जाऊंगा, मैं जाऊंगा आपके पास 100 प्लेस 10 प्लेस के अलावा यूनिट प्लेस को क्रैक करते हुए जाऊंगा, या फिर मैं आपके आंकी योग की तरफ जाऊंगा, कोशिश करूंगा कि एक बड़ी कैलकुलेशन से बचूं, है ना। अब आप बताओ यहां हम बात करते हैं 7 और 2 9 आउट, 7 और 5 12 मतलब आपके पास 3, इसका आंकिक योग कितना आ रहा है 3 आ रहा है। अच्छा इधर देखते हैं जरा कि आपके पास 7 और 2 9 0 5 और 5 10 मतलब इसका 1 आ रहा है, इसका कितना आ रहा है 0 आ रहा है, और इसकी बात करें तो ये आप इसका आ रहा है 3, है ना, तो सब लेने के देने लगे, है ना। तब आपके पास देखो इधर भी आपके पास डिजिट सम 3 आ रहा है, इधर भी 3 आ रहा है, इनमें से कोई एक हुआ तो शायद आंसर निकल जाए, ध्यान रखना तो उत्तर आपको पता है तो आपके सोचने का तरीका बदल गया, लेकिन अगर उत्तर नहीं पता है ना तो फिर इस स्थितियों में कोशिश करते हैं हम आंकी की योग की तरफ ना जाए, है ना, कि जितने चांसेस इनके आने के उतने चांसेस इसके भी आने के, है ना। अभी फिलहाल तो 50-50% ही मान के चले अपन सबके लिए, या सबके लिए बराबर ही मान के चले, अपन कुछ भी हो सकता है आंसर, तो एक की तरफ तो नहीं जाएगा झुकाओ,
है ना, वो वाली बात है। चलो अभी फिर देखो दोबारा देखते हैं अपन, यहाँ पर हम बात करते हैं इधर का, आपके डिजिट सम निकालते हैं अपन। यहाँ आप बताओ इधर की बात करेंगे तो 7 हो गया। डिजिट सम का मतलब देखना क्या होता है, अंकों को जोड़ना, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है ना। आप देखो इंटू ये कितना हो जाएगा 5, टू ये कितना हो जाएगा 6, वेरी गुड है ना। अब इधर देखना हम बात करते हैं, ये हो जाएगा आपके पास 5 × 6 = 30, इसका मतलब आपके पास 3, और ये आपके पास कितना है 7, 7 को 3 से, तो गुणा का चिन्ह का मतलब है गुणा करना, और जो अंक आए फिर उसको जोड़ना है। देखो तो 7 को 3 से गुणा करूंगा तो कितना जाएगा 21, 21 के 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3 है ना। एक बात तो कन्फर्म होगी कि इसका डिजिट कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, नीचे की तरफ 1 है, इसको लेना देना है नहीं। अगर नीचे की तरफ 1 के अलावा कुछ और होता तो फिर उसका ट्रीटमेंट मैं अलग तरीके से करता, अभी नीचे ट्रीटमेंट देने की जरूरत नहीं है, है ना। इसका मतलब ये और ये तो नहीं हो सकता, ये और ये आपके पास हो सकता है। अब इनमें से क्या हो सकता है वो पता करना है मेरे को, है ना। अब इधर देखना यहाँ पर हम बात करते हैं इसको अभी फिलहाल के लिए, कि आपको यहाँ पर आपके पास क्या है फिर गुणा कर कर देखना ही पड़ेगा कि अभी क्या होगा। जैसे मैंने जो तरीका यहाँ लगाया ना तरीके से निकलेगा, क्योंकि इधर भी है इधर भी है, अभी कोई अनुमान नहीं लगा सकता। लगा सकते हो है ना। हाँ तो करके देखना पड़ेगा, मतलब ये तरीका क्या हुआ। हाँ बोलो बोलो। हाँ यार ये सही बात है, ये जीरो है ना, ये जीरो जीरो जीरो, ये जीरो जीरो में जीरो जीरो मिल रहे हैं, इधर की तरफ आपके 0.5 मिल रहा है, दैट्स व्हाई ये वाला उत्तर राइट हो जाएगा, चल गया। तो और तो क्या है। चलो आगे बात करते हैं अगला। अच्छा हो गया टाइप खत्म। ये क्वेश्चन आपके पास कितने क्वेश्चन थे, 7 क्वेश्चन थे, सिंपल क्वेश्चन थे सारे के सारे। ये आपके पास क्लियर है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट की शुरुआत हो चुकी है। अभी हम बात करते हैं गुना पर आधारित प्रश्न, है ना। स्टार्टिंग में गुना आ गया क्या, चलो गुना पर आधारित प्रश्न लगाते हैं। क्या है गुना पर आधारित प्रश्न, पहला क्वेश्चन देखो। किसी राशि का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। यार ये तो ये टाइप का क्वेश्चन नहीं, टाइप का क्वेश्चन लग रहा है मेरे को, गुणा वाला कहाँ है इसके अंदर। तो खैर कोई ना, इधर देखो जरा 5% का मतलब क्या होगा, 5% का मतलब होगा आपके पास 1/20, हाँ 1/ आपके पास 20, मतलब आपके 21/20, और 21/20 का अगर स्क्वायर करूंगा ये वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 441, और ये आपके पास कितना। तो आप मुझे बताओ अगर 400 का मूलधन अभी 441 बोल रहा है तो ब्याज कितना आ रहा है, कितना आ रहा है आपके पास। और 41 का मतलब जो है वो ये है, अगर 41 का मतलब ये है तो 1 का मतलब कितना होगा, वेरी गुड 4 होगा, 1 का मतलब 4 होगा। तो ये क्या पूछ रहा है, किस राशि का, किस राशि का मतलब मूलधन आपसे पूछ रहा है, है ना। और अगर मूलधन पूछ रहा है तो कुछ मत करो, ये जो 400 का मतलब बता दो। तो अगर मैं इसको 4 से गुणा कर दूं हो जाएगा ये 1600, आंसर आपके पास क्या है ये वाला राइट होगा, बाकी वाले बेचारे जो है वो है ना गुणा पर आधारित प्रश्न है ना, ये बिना गुणा वाला है। चलो आगे बात करते हैं, अभी हम बात करते हैं आगे। श्री गगन राठी 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पाने के लिए आपके 96,000 का निवेश करता है, 3 वर्ष के अंत में कुल कितनी राशि मिलेगी। पहले नंबर का टाइप ही दिख रहा है यार, चलो खैर कोई ना। अब मुझे एक बात बताओ यार, 10% का मतलब क्या है, दुनिया जानती है कि 10% का मतलब 1/10 होता है ना, और 10 रुपए पे 1 रुपए का यदि आप इंटरेस्ट लेना चाहते हो तो आप पता है क्या है, आपका धन 11/ है ना, तो 11/10 हो जाएगा मूलधन का 11/10। अब चूंकि आप समय की बात करते हो कितना, 3 वर्ष की बात करते हो आप, 3 वर्ष के अंत में उसे कुल कितनी राशि मिलेगी, तो आप बात कर 3 वर्ष के अंत में पावर ऑफ कंपाउंडिंग कितनी है ना। अभी आपके पास देखो वैल्यू कितना होगा, 1331 डिवाइडेड बाई ना? अब आप मुझे बताओ कि अगर इस चीज का मतलब ये है ना? अगर इस चीज का मतलब 1000 जो हमारा मूलधन है, ये हमारा वो पैसा है जो हो जाए, 1000 का मतलब ये है, तो 1 यूनिट का मतलब कितना होगा, वेरी गुड शाबाश,
मुझे बताओ आपके इतने यूनिट का मतलब कितना होगा? रोना वोना मत करो, बाहुबली बनने की कोशिश मत करा करो, है ना? तुमको जैसे ही बोलते कितना होगा, तुम भाग के पीछे वाले पे चल जाते हो, है ना, और गुणा करके ले आते हो। ऐसे थोड़ी होता है यार। अभी आप बताओ यहाँ पर इसका देखो डिजिट सम से करते हैं, इसको भी डिजिट सम से लगा के देखते हैं क्या डिजिट सम लगेगा या नहीं लगेगा। अक्सर जो है आप लोगों से भी डिजिट सम बीच बीच धोखा देता है ना, डिजिट सम बीच बीच में धोखा देता है। ये पॉपुलर है बेवफा सनम के नाम से। तो बेवफा सनम इसलिए बोला जाता है क्योंकि आपको ये पता ही नहीं है कि इसको ट्रीटमेंट कैसे देना है। आप सबसे पहले ऑप्शन जो है उनके डिजिट सम निकाल के देख लें और ये देखें कि लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। अगर लगा सकते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं, और नहीं लगा सकते हैं तो फिर रुक जाओ यार। मैं आपको कोई निमंत्रण थोड़ी दिया है, कोई चूल का नोता दिया होगा, नहीं आ जाओ लगा ही दो, यही लगा दो। अब तुम पहले धमाक से पहुंच जाओगे वो लेके, फिर बाद में फंस जाओगे, तो उसमें उसकी गलती नहीं है, उसमें आपकी गलती है। आप सबसे पहले अपने विकल्पों में देखो कि क्या आंकिक सबको सम को सपोर्ट करेगा, और अगर आंकिक सम को सपोर्ट करेगा तो फिर आपको लगाना है। कैसे पता करोगे ये लगाना है या नहीं लगाना है? अपने जितने विकल्प हैं इन सबके आपके क्या है आंकिक निकाल के देख, है ना, क्या लगेगा। अच्छा बताओ इनकी शक्ल सेम आ रही कि नहीं आ रही? यस और नो? इधर देखना, गौर से देखना, 1 2 4, फिर देखो 1 2 5, फिर देखो 1 2 6, फिर देखो 1 2 7। इट मीन्स सपोर्ट करेगा, है ना, इट मीन्स आपके सपोर्ट करेगा ये। चलो अभी आपके पास क्या है, 9 का मतलब तो 0 होता है ना, वेरी गुड। ये आपके पास देखो 3 और 3 6, 6 और 2 आपके पास कितना हो जाएगा 8, ये 8 हो गया। और इधर आपके पास क्या 6, 48, 48 मतलब 8 और 4 12, 12 मतलब आपके पास 3, है ना, 12 मतलब आपके पास 3। देखो दोबारा दोबारा देखो, 8 6 48, अब इनको जोड़ो तो कितना आएगा 8 और 4 12, फिर इनको जोड़ो, है ना, तो कितना हो जाएगा 3। आंकिक योग का मतलब है रेस्पेक्टिवली डिजिट को आप तब तक जोड़ते जाओ जब तक आपको एक सिंगल डिजिट ना मिले। और 9 का मतलब आपको क्या करना है, इग्नोर, है ना, या फिर 9 को आपको 0 ले ट्रीटमेंट देना है ना, ये तो 3 हो जाएगा। चलो अभी निकाल के देखो यार, आप मुझे बताओ 7 और 2 तो आपके पास कितना हो गया 9 मतलब 0, है ना। इधर देखो 6 और 4 कितना हो गया 10, और ये आपके पास कितना हो गया 18, 18 मतलब आपके पास कितना 9, 0, ये नहीं हो सकता, है ना, ये आपके पास क्या है नहीं हो सकता। इधर देखो दोबारा 6 और ये मामला डिसमिस हो जाएगा, इसलिए इधर देखो 12, है ना, 12 और आपके पास 6 वापस भाई, है ना, तो ये भी। इधर देखो जरा, ये तो खत्म मामला, इधर की तरफ हम बात करें तो क्या हो जाएगा आपके पास 6 और 6 आपके पास 12, और ये आपके पास कितना हो गया 8, 12 8 20 2, है ना, इसलिए ये नहीं हो सकता, ये वाला विकल्प राइट। फिर चेक करके देखो यार इसको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये अपने को ये आपके पास क्या हो गया। अब इधर देखो ये कितना हो गया 7 21 3, तो इसका मतलब यही वाला विकल्प जो है हमारा राइट होगा। बात समझ में आ रही? अच्छा देखो यहाँ पर आपको डिजिट सम की तरफ नहीं जाना था क्योंकि पीछे के 3 नंबर सेम सेम सेम, है ना, 100 प्लेस क्रैक करना है, बहुत मुश्किल, इतना भी मुश्किल नहीं है, करकुरा देंगे वैसे तो, लेकिन टाइम जाता है ना यार, टाइम बहुत बड़ी चीज है वहां पे। ऐसा थोड़ी होता है यार, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि मैं यूनिट प्लेस को क्रैक करूंगा, फिर आपके पास 10 प्लेस क्रैक करूंगा, 100 प्लेस क्रैक करूंगा, और फिर जब मैं 1000 प्लेस क्रैक करूंगा तब जाके मेरा आंसर का आइडिया लगेगा। तो बढ़िया है कि हम इसको आपके सॉल्व ही कर लें। चलो आगे बात करते हैं यहाँ पर आधारित प्रश्न। यदि ब्याज वार्षिक देय हो और 10% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 31 रुपए हो तो मूलधन की गणना कीजिए, मूलधन क्या होगा? अच्छा बताओ 10% का मतलब कितना होता है? वेरी गुड, 10% का मतलब 1/10 होता है। का मतलब ये है कि 10 रुपए आप मेरे से उधार लोगे, साल भर बाद आपसे 1 रुपए का ब्याज लूंगा, है ना, तो आपके टोटल में आपसे जो पैसा लूंगा वो 11/10 एक साल के लिए। लेकिन अगर मान लो डील 3 साल की हो तो बोले पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपके पास 3 हो जाएगी, क्योंकि आपने चक्रवृद्धि ब्याज बोला है ना, चक्रवृद्धि ब्याज हाँ बोला, ये रख रहा चक्रवृद्धि ये रहा, तो आपके पास क्या है पावर ऑफ कंपाउंडिंग कितनी जाएगी 3। अब आप मुझे बताओ कि पावर 3 कितनी होगी, आपको याद हो गया होगा अब तो ना। अब आप बताओ 1000 रुपये इतने में कन्वर्ट हो गया तो ब्याज कितना मिला,
वेरी गुड 331। तो ब्याज यहाँ पे वही है ना जो अपने निकला है, इसका मतलब मूलधन ये होगा, कृषधन ये होगा, और ये पूछ क्या रहा है आपके पास, मूलधन पूछ रहा है ना, तो मूलधन की गणना करो, ये आपसे मूलधन पूछ रहा है ना। मूलधन कितना हो जाएगा 1000, ये गलत है, ये राइट, और ये सारे के सारे। आई बात समझ में? क्वेश्चन और देख ले, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक धनराशि, गुना आ गया है ना, अब गुना आ गया। एक धनराशि आपके चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्षों में आपके दुगनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगी? अच्छा देखो, हम इसको क्या बेसिक से देखते है ना, बेसिक से देखते हैं। मैं मान के चल रहा हूं कि कोई धनराशि है ना, और धनराशि आपके पास क्या है, पी है, कोई धनराशि है पी है ना, तो रेस्पेक्टिवली आपके पास क्या है, टी वन वर्षों में गुना हो गई, वर्षों में एनवन गुना हो गई है ना। या फिर छोड़ो यार, जबरदस्ती तुम्हारा दिमाग क्यों खराब करो यार, इसी से ले लेता हूं ना, तो ले ले। अभी टी वन टी टू की भीड़ इकट्ठी हो जाएगी जबरदस्ती के, कोई ढूंढेगा टी वन क्या है, कोई पूछेगा टी टू क्या है, कोई टी वन और टी टू के रिलेशन पूछता भरेगा, और सारे टी 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 हो जाएंगे है ना। तो इससे बढ़िया है कि मैं इनको लाऊं ही ना। अब आप बात को समझो, इस बात को कि 15 साल लगे किसी पैसे को दुगना होने में, है ना बात को, 15 साल लगे किसी पैसे को दुगना होने में, और आज वो पैसा दुगना हो गया। अब बताओ चक्रवृद्धि, जब हम ब्याज की बात करते हैं है ना, चक्रवृद्धि आपके हिसाब किताब में जो मिश्रधन होता है वो मूलधन की भूमिका निभा। उदाहरण के तौर पे समझना कि 100 रुपए आपने मेरे से उधार लिया, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से का ब्याज बना आपके पास कितना, 10 रुपया। तो अगले वर्ष, ये आपके पहले साल का हिसाब किताब, अगले साल आपके पास जो मूलधन होगा वो 100 + 10 = 609 यही होगा ना। वापस आपने इंटरेस्ट लिया 10% इसके ऊपर, 11 रुपए का आपके पास क्या इंटरेस्ट बन जाए, है ना। अब आप देखे तो बनेगा, हाँ चलो। अब आपके पास जब अगली बार हिसाब करने के लिए आओगे, ये P1 और ये P2, तो फिर हमारे पास जो मूलधन है वो शुरू वाला 100 नहीं रहने वाला है ना। ये जो आपके पास क्या है, पहले वर्ष का मिश्रधन था जो कि दूसरे वर्ष में मूलधन की भूमिका निभा रहा था, तो दूसरे वर्ष का जो मिश्रधन होगा वो तीसरे वर्ष में मूलधन की भूमिका निभाएगा, है ना। इस बात को अगर समझ पाओ ना, तो आपको जो है ये सब समझ आप सही तरीके से पाओगे, लेकिन इस चीज पे विचार जरूर करो। तो बताओ 110 कितना पैसा हो गया, ये 121 है ना, ये आपके पास 121 जो है वो मूलधन का निभाएगा, वही 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से। अब जो ब्याज बनेगा वो बनेगा आपके पास कितना, 12.1। अब अगले साल जब आप हिसाब किताब करने जाओगे तो मूलधन जो है वो वापस चेंज हो जाएगा, है ना, और ये वाले आपके मूलधन में ये जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा यार ये, है ना, समझ रहे हो, एंड सो ऑन ऐसे करके चलता रहेगा, क्या हुआ, हाँ जो भी आएगा ऐसे चलता रहेगा, मतलब है ना। क्या अभी कहानी आपको समझ में आ गई? अब मेरे को ज्यादा ये कहानी नहीं चाहिए, ज्यादा ये कहानी नहीं चाहिए, आप छोड़ो, अब ये तो हो गया, आपको समझ में आ गया ये बात, है ना। अब मुझे एक बात बताओ, 15 साल हो चुके है ना, अगले 15 साल में आपकी कहानी के अनुसार ये वाला मूलधन दुगना होगा कि नहीं होगा, जरा 2 को दुगना कर दो भाइयों, यस और नो, है ना, दोबारा फिर बात करो, अगले 15 वर्ष में ये वापस दुगना होगा कि नहीं होगा, 4 का दुगना करोगे तो 8 आएगा कि नहीं आएगा, वेरी गुड, क्या मांग रहा है ये, है टाइम कितना गया, 45 वर्ष, है ना, तो आंसर आपके पास कितना हो जाएगा, 45 वर्ष रहा आंसर, ये गलत है, हमारा देसी हिसाब है ना, समझ रहे हो, कर लोगे, तो हमारा देसी हिसाब किताब, देश विदेशी हिसाब किताब की तरफ चलें तो, हाँ लगातार जवाब आ रहा है, बहुत बढ़िया यार क्लास, मैं आप लोगों की तरफ ध्यान नहीं दे पाया, और क्या है कि यार मेरी क्लास बीच में डिस्टर्ब हो गई ना, मेरा दिमाग खराब हो गया, अभी मेरा दिमाग खराब ही है, मेरी शक्ल से नहीं लग रहा होगा। जय श्री राम। तो है मैं सोच रहा हूँ कि फटाफट इसको कंपनसेट कर दें और क्लास के अंदर आपके थोड़ा बहुत पढ़ा लें, हाँ
तो मैं क्या कह रहा था आपके इस जगह पर, ये तो है देसी हिसाब किताब जो आपको समझ में आता होगा। अब आप एक बात नोट करना यहाँ पर, दोबारा इस क्वेश्चन को दोबारा देख रहा हूँ, दोबारा कर रहा हूँ इस क्वेश्चन। अब समझना, मान लेते हैं कि एक रुपया उधार लिया और इस प्रश्नानुसार वो आपके पास 2 रुपए में कन्वर्ट हो गया, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 = 1 + r/100^15 कर सकते हैं आप? बोलो गुरुजी कर सकते हैं, क्या दिक्कत है, आराम से कर सकते हैं, है ना, ऐसा कर सकते हैं ना। तो क्या किया है मैंने, ये आपके पास है चक्रवर्ती मिश्रधन, ये खुद कह रहा है दुगना हो गया इस मूलधन पर 1 रुपया पे। कोई चीज दुगना कब होती है, जब 1 की 2 हो जाती है, 1 मूलधन हो गया और 2 उसका मिश्रधन हो गया। तो आपके पास क्या है, मैंने मेरे फॉर्मूला में जमा। अब दोबारा बात को समझ, अभी बोल रहा है कि कितने समय में ये 8 गुना हो जाएगा, आपके पास ये 8 गुना हो गया सदन 1 रुपया, है ना, और ये आपके पास 1 + r/100^15 आपके पास क्या है, नहीं पता, है ना, मुझे नहीं पता आपके कितने टाइम में ये हो जाएगा, है ना। अभी आप मुझे एक बात बताओ, एक सिंपल सी बात बताना, क्या आप 8 को 2 की पावर 3 लिख सकते हो? वेरी गुड, शाबाश। इसका मतलब आपके ये जो चीज है ना, ये जो 2 है, ना, इस 2 का वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ, है ना, इस 2 का वैल्यू देखो मैं निकाल सकता हूँ, और इस 3 को जब इधर लेके जाऊंगा तो ये आपके पास यहाँ ऐसा 2 क्या आया, 2 = this to the power this, है ना, और मैं 2 की जगह पे ये लिख रहा हूं, तो लिखो जरा 1 + r/100^(?), और ये आपके पास 1/3 = आपके पास 1 + r/100^ आपके पास। अच्छा बताओ, आपने घातांक व करणी में बहुत प्यारी सी आपके पास क्या प्रॉपर्टी पड़ी होगी कि आधार समान होने पर घातों की तुलना कर सकते हैं, और यदि घाते समान है तो आधार की तुलना की जा सकती है, यस और नो? जहाँ गुरु जी पढ़ा था, कहीं भी पढ़ा हो ना, तो मुंडी लाने में कुछ भी नहीं जाता, कॉन्फिडेंस मिलता है ना, जैसे मुंडी लाया करो कि हाँ पता है पता है, बाकी बता तो मैंने दिया ना यार आपको, अभी पूरा स्टेटमेंट बोला है, आप लिख लो उधर साइड में आपके प्रॉपर्टी क्या बोला है मैंने, कि घातीय पदों में आधार समान होता है तो घातों को कंपेयर किया जा सकता है, और यदि पावर समान होती है तो आपके पास क्या है, बेस को कंपेयर किया जा सकता है। समझना बात को कैसे, मैं कह रहा हूं x^a = x^b, का मतलब ये है कि ए भी बराबर होगा बी के। अगर मैं आपसे कह रहा हूं x^ आपके पास क्या है m, x^m और y^m, और तो हम कह सकते हैं कि x बराबर होगा y के, बस समझ में। देखो जब बेस वैल्यू सेम थी तब मैंने पावर वैल्यू इक्वेट कर दी, जब आपके पास क्या पावर वैल्यू सेम है तो मैंने बेस वैल्यू इक्वेट कर दिया, है ना। अब एक बात बताओ, अगर बेस वैल्यू सेम है तो क्या इन भैया को इन भैया से कंपेयर नहीं कर सकते? कर सकते हो ना, करके देखो यार, क्वेश्चन मार्क, और ये आपके पास क्या हो गया 3 = और जब इसको उधर पहुंचाओगे तो (3×15) = 45, और ये रहा आपका आंसर। आंसर निकालना बड़ी बात नहीं है, आपको ये रामायण सिखाना ज्यादा बड़ी बात, इस चीज का उद्गम कैसे हुआ कैसे वो आपको पता होना बहुत जरूरी है। एक अच्छा एस्पिरेंट जो है ना, उसके बारे में जानना भी चाहता है, अभी चाहता है, तभी आप जो है कुछ अच्छा कर पाते हो, है ना, इमरजेंसी आपातकाल में। एक बात आपको समझ में आ गया, यहाँ जो वैल्यू दिया हुआ होता है ना, वो बेसिकली इसके पावर में दिया, एक बात समझ में, मतलब देखो यहाँ 2 है और यहाँ 8 है, क्या संबंध है इनमें, मैं संबंध पता है क्या है, आंसर क्या आ रहा है, इस रेस्पेक्टिवली टाइम को इस पावर से का मतलब गुना पर आधारित जो प्रश्न होंगे, ये नहीं कहता सारे सवाल आप ऐसे लगा पाओगे, बहुत से सवाल है जो आपका रथ रोक लेंगे, आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे, तो रुक जा, ऐसे नहीं कर सकता, है ना, तो उसके लिए हम आगे और बातें करेंगे अभी तो। लेकिन हाँ, साधारण टाइप के गुना पर आधारित प्रश्न जो है ना, वो ऐसे हो जाएंगे, ज्यादातर देगा आपके पास दूसरा वैल्यू जो होगा वो पहले के पावर के रेस्पेक्ट,
आपने कितनी पावर है ये निकालना है और उस पावर को उस रेस्पेक्टिवली टाइम से गुणा कर आंसर देना है, है ना। जैसे अगला क्वेश्चन देखना, आप पलक झपकते से ही आंसर, है ना, आप बताओ कितना हो गया, तो चार वर्षों में दुगना और अगला दो की पावर कितना है, तीन, है ना, आठ क्या है, दो की पावर तीन है ना, तो तीन को चार से गुणा करोगे तो क्या आएगा, बारह, आंसर क्या आएगा, सही बात समझ, है ना। अभी आप पता है क्या ढूंढते हो, इसका पावर कितना है, इसको ढूंढते हो इसके पावर क्या रहता है, आपके पास क्या है, दो की पावर तीन करने पे आठ आ रहा है, इससे तीन इंटू चार बराबर आपके पास बारह, जो भी टाइम होता है उसको उसकी पावर से गुणा। अगला क्वेश्चन देखो भाइयों, तीन गुना और ये क्या है, तीन की पावर तीन, तीन को चार से गुणा करोगे तो बारह, आंसर क्या आएगा, कोई बच्चा हो जिसके पेट में दर्द हो रहा हो, घबराहट हो रही हो, की मिचला रहा हो, कुछ नहीं हो रहा ना, हाँ ऐसा लग रहा हो कि बहुत फास्ट, हाँ बहुत नॉर्मल है यार, कितना आसान है, देखो यार। अभी आप बताओ, दस वर्षों में दुगना और अगला अमाउंट बेचारे गरीब ने कितना दे दिया, अपने से चार गुना, तो दो की पावर दो, दो की पावर दो मीन्स आपके पास कितना वर्ष, ये रहा आपका विकल्प, बाकी सारे के सारे गलत हो जाएंगे। मैं आपसे कह रहा हूँ सब जगह पे विद्या नहीं काम आएगी, अभी विद्या फेल भी हो जाएगी, है ना, अभी आगे बात कर रहा हूँ, आ जाएगा अभी सवाल आ जाएगा, है ना। अब देखो दुगना, दुगना दो की पावर तीन, है ना, कितना हो जाएगा पैंतालीस, आपके पास विकल्प, आई होप ये चीज समझ में होगी, आज की क्लास जो मेरी बिगड़ी वो मैंने संभाल भी ली होगी, है ना, तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आया, एक बार फिर मैं उस क्लास के लिए जो है खेद प्रकट करता हूँ, है ना, तकनीकी कारण है जिसके कारण हो जाता है डिस्टर्बेंस, अब क्या करें यार, है ना। लेकिन फिर भी अभी जो है, अगर ये क्लास अभी तक आपको अच्छी लगी है ना, तो इस क्लास को लाइक कीजिए, अपने यार दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, तो डेली जो है 10-15 पर आप तक पहुंचते हैं यूट्यूब पे लाइव। तो आज के लिए इतना काफी है, बाकी की बातें हम कल की क्लास में करेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़िए और याद जरूर करिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।